तो गाइस अब हम निकल चुके हैं कतरा के लिए, थोड़े संघर्ष के बाद फाइनली प्लान बना कतरा आने का। बाकी अभी हम चलते हैं वहाँ पर, है ना, और होपफुली हम टाइम से पहुँच जाएंगे, मतलब 9-10 बजे जितना भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि हमें सही टाइम पर हमें गाड़ी मिल चुका है। और गाइस अभी हमने एक हॉल्ट लिया है फूड एंड वॉशरूम के लिए बहुत, तो फिर ये जगह पर हम अभी खाना खाएंगे। और इरफान भाई की गाड़ी पर हम आए, वो जा रहे इरफान भाई। तो और क्या क्या बोलते हैं इरफान भाई, बगर बगर करके जगह है ये प्लेस का नाम ना, तो यहाँ पर थोड़ा खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे और फिर वापस निकलेंगे हम कतरा के। और हम शायद 9 बजे तक पहुँचेंगे, 9:30 है ना, तो यही 9:30 बजे का टाइम है जो मतलब इसके अराउंड पर हम पहुँच जाएंगे कतरा। तो रात में तो इतना हो नहीं पाएगा व्लॉगिंग क्योंकि अंधेरा होता है तो दिख नहीं पाएगा कुछ। बाकी अभी बैठते हैं पर थोड़ा फ्रेश होते हैं, है ना, खाना पीना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं और अब से मिलते हैं। चावल हमने ऑर्डर कर लिया, राजमा चावल हम खाएंगे। अभी हो रहा है 6 PM हो रहा है, 6 PM हो रहा है। तो अभी तो इतनी लंच प्रॉपर कर रहे थे हमने, ये प्रॉपर कर रहे थे रात में, तो वहाँ पर जल्दी पहुँचेंगे तो पता नहीं क्या अवेलेबल होगा नहीं होगा। तो अभी खा लिया और मिलते हैं। गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पर कुल्फी आइसक्रीम खाने के लिए, और यहाँ से कचरा बहुत सामने है, कुछ किलोमीटर से बचे तो हम यहाँ से शॉर्ट इस वाले रास्ते जाएंगे। हम पहुंच गए, इरफान भाई आप कुछ बोलेंगे? हम पहुंच गए कचरा। हाँ यार इरफान भाई, क्या फोटो क्लिक करेंगे, है ना। वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ कचरा, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, पर आज है day 8 और हम हैं जम्मू में। परसों रात को हम जम्मू में आ गए थे, कल हम जम्मू में एक जगह भद्रवा करके जगह है जहाँ पर हम घूम रहे थे, और आज कल रात को हम कतरा आ गए थे, है ना। ये कतरा है, भाई भी रेडी हो चुके हैं। तो फिर ये अभी हम कतरा में, और यहाँ से अगर आप टॉप में गिरो जो माउंटेन है ये है वैष्णो देवी का मंदिर है, है ना। तो जितने मेरे दोस्त लोग साथ में हम ट्रिप में थे तो देवर लाइक यार कि जब हम आ रखे हैं यहाँ पर तो क्यों ना हम यू नो वैष्णो देवी मंदिर होके आ जाए। तो अभी ठीक है, हम चलते करके है ना, साथ में चलेंगे, साथ में ट्रैक करेंगे ऊपर तक, है ना, और विजिट करके आएंगे। तो गाइस हमारा टूर शुरू हो चुका है ना। अभी हमने तो सुबह रजिस्ट्रेशन कर लिया था अपना, मेरे अंदर कतरा का जो ID कार्ड है वो है, बाकी दो भाई है जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो अभी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे ना। तो यहाँ पर लाइन लग के बहुत अंदर गए थे हम लोग, तो अभी ये लोग जाते हैं और हम इनका वेट करते हैं यहाँ पर एग्जिट में, और फिर तब हम चढ़ेंगे उस तरफ। बाकी ये यहाँ पर मेन चौक है, छोटा भाई है ये, वो इन्होंने कितने का है ये, 5 रुपए का है, 10 का दो। अच्छा 10 का दो, पर्पल माँ की याद आएगी। हाँ सब बताओ अच्छे से, बोलो अच्छे से बोलो, भाई शर्मा गया यार। तो भाई रजिस्ट्रेशन के लिए है ना यहाँ से अंदर आना पड़ता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहता है ना, वहाँ से अंदर पूरे लाइन लगे रहते हैं और फिर निकलते इस तरफ, है ना, यहाँ से निकलते इस तरफ से। बाकी यहाँ पर मेन जो बस स्टैंड है वो इस तरफ पूरा है, और यहाँ से जहाँ पर भी आपको जाना हो है ना, यहाँ से सारे बसेस चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कचरा में ही क्या तो रेलवे स्टेशन भी है, तो ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना, टैक्सी सब चीज़, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, सब चीज़ यहाँ पर आसपास में ही है, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आते हो आपको सेम डे में ऊपर चढ़ के शाम को आते हैं तो शाम तक मतलब रात तक काफ़ी गाड़ियाँ चलते हैं यहाँ पर, तो यू नो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हेलो गाइस, पराठा खा रहे हैं, आइसक्रीम भी है,
जो कल वो ड्राइवर ने के साथ खाने वाले थे अभी साहब गर्म गर्म चाय आ गई। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया है ना, एंड देन जो भी अपने इस जर्नी में सबने अलग अलग पेमेंट कर रखा था तो फिर वो हम सेटल कर रहे थे, और उसके बाद 11:20 में हमने अपना ये चलना शुरू करा। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, कब तक वापस आते हैं, होपफुली सही टाइम पर आ जाए वापस है ना। तो अभी शुरू हो चुका है जर्नी और चलते रहते हैं अब, और मिलते हैं, कुछ नज़ारा मिलेगा, कुछ जगह मिलेगा अच्छा सा तो भी आपको दिखाते रहेंगे। यार यहाँ पर कैमरा लाना अलाउड नहीं है तो मुझे वापस आना पड़ा एंड किसी लॉकर में रखाना होगा, तब जाके मुझे वापस जाना पड़ेगा। भाई इतनी ऑलरेडी इतनी लाइन थी, मैंने पूरी लाइन पर रखी है, हाँ वापस जाकर पता नहीं कहाँ पर रखाना होगा। चलो देखते हैं यार, फिर भागता हूँ मैं। अब तो पहले तो लॉकर मिल जाए यहाँ पर हैंगर, तब देखेंगे। तो गाइस आई टोल्ड यू बिफोर कैमरा अंदर रख लिया है, तो मैं फ़ोन से थोड़ा बहुत शॉर्ट्स निकालूंगा मैं है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो थोड़ा बहुत क्लिप्स निकाल लूँगा। तो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं एंड भाई लोग भी साथ में है, कि मेरा यह था कि मुझे सब लोग साथ में जा रहे हैं तो मैं भी साथ में आया ताकि मैं ट्रैक करूं ऊपर तक है ना। तो यहाँ पर व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, एज इन कैमरा कैरी करना अलाउड नहीं है, और मैंने फ़ोन से जितना हो पाया थोड़े बहुत क्लिप्स निकाले फ़ोन से, स्पेस इतना है नहीं फ़ोन में तभी इतना प्रॉपर व्लॉग टाइप नहीं करे से, बस कुछ क्लिप्स निकाले। बाकी एक बार मैं चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर मेन मंदिर है वैष्णो देवी का है ना, वहाँ से बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे आपको खाने के लिए ना ऐसे रेस्टोरेंट्स आपको बहुत मिलेंगे बीच बीच में, रेस्टोरेंट्स दुकान सब चीज़ मिलेगा आपको। आपको पानी की भी सुविधाएं ना बीच बीच में आपको पानी की भी सुविधाएं मिल जाएगा यहाँ पर, इवन इफ़ यू डोंट ब्रिंग यू वाटर है ना, इवन इफ यू डोंट ब्रिंग यू वाटर तो पानी की सुविधाएं बहुत जगह है यहाँ पर, तो सब चीज़ आपको मिल सकता है। यहाँ पर चेक पॉइंट है, चेकिंग यहाँ पर एटीएम की भी सुविधाएं हैं गाइस। गाइस फाइनली जस्ट 1 किलोमीटर मोर टू गो, एंड अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ से दिख रहा है वो जगह है ना, आई एम प्रीटी श्योर कि वही वैष्णो देवी का जो टेम्पल वाला जो एरिया है ना वही है। थोड़ी देर से वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों लोग का जो पीछे रह रखे है ना,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गैस वो है सामने आगे। भाई इतना चल रहे टॉप वाला मंदिर वैष्णो देवी का आई नहीं रहा। अब फाइनली इन्होंने बोला कि यहीं पर जो सामने दिखाया था मैंने वाइट वाला वही मंदिर है और स्ट्रेट रास्ता है पहुँच जाएंगे हम। और चीज़ कपूर कैंपर ब्रीथिंग में बहुत हेल्प करता है ना, तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड में आते हो सांस लेने की दिक्कत होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये लेके आ सकते हो। एंड ये भाई भी ये भाई बस था उसने दिया। यहाँ पर हेलीकॉप्टर के राइड के लिए रास्ता लगा रहे क्यों, यहाँ से चलेंगे। गाइस अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से आगे कहते हैं ये फ़ोन और पर्स पर्स कुछ भी चीज़ लेना अलाउड नहीं है ना, इस प्लेस से आगे की तरफ लेना अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद करूँगा ना। यहाँ पर लॉकर वगैरह है वहाँ पर रखना पड़ेगा सारा सामान, तो इसको अभी मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। एक बार मंदिर की तरफ से होके आ जाए है ना, बाकी दोस्त लोग आगे निकल गया अभी तो एक बार सब लोग मिल जाए यहाँ पर तब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। बाकी आई एम सॉरी मैं मंदिर का जो शॉट्स है वो दिखा नहीं पाऊँगा, ये अलाउड नहीं है चीज़ें लेके आना, तो मिलते जल्दी से। एक और चीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर चल रहे हैं ना, तो अब सीधा मेन नीचे से ऊपर तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से 1800 रुपीस का हेलीकॉप्टर राइड मिल रहा है, तो जो वो क्यू मैंने दिखाया था वो पूरा उसी का था, मतलब हेलीकॉप्टर राइड के लिए था और 1800 में आपको वन वे टिकट था। फाइनली हमारा यू नो बहुत भयंकर भूख लग रही थी तो फाइनली हमने खाना खा लिया, रात में चावल हमने खाया। तो अभी तो परस भी आगे साथ में, आदित्य लॉस्ट और क्या बोलते पता नहीं कहाँ पर है, हमने अनाउंसमेंट वो कराया था और फिर शायद दोबारा अनाउंसमेंट कराना पड़ेगा। एंड हम सोच रहे कि आज ही हम दिल्ली के लिए निकल जाए, तो फिर होपफुली जैसे अगर हम इसे छोड़ के मतलब निकल जाएंगे हम यहाँ से, हम सोच रहे कि अभी हम दिल्ली जाए ना, तो जितना जल्दी हो सके हमें वापस जाना है नीचे और फिर यहाँ से मतलब बस स्टैंड सामने ही है होटल के, तो फिर सोच रहे कि अगर बस मिल जाएगा बस या ट्रेन जो भी अवेलेबल होगा हम उससे दिल्ली निकल जाएंगे। फिलहाल ये है, अभी मैं कैमरा बंद करूँगा और फिर सीधा ट्रैक करते हुए नीचे जाएंगे अभी हम। बोला मैं फिर से थक गई। तो गाइस 9:24 PM और बहुत आराम से गए थे, बहुत आराम से आए। जो दो भाई लोग थे हमारे साथ वो तो ऊपर ही है, उन्हें 8 बजे वाले आरती देखनी थी वो देख नहीं पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे। बाकी हम आ गए हैं अभी बस स्टेशन जाते और फिर लेट्स सी दिल्ली के लिए कब बस जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम पैकिंग वैकिंग करके है ना चेकआउट करके फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। स्ट्रीट्स ऑफ पत्रा गाइस पैरों के लिए रखी है वॉट, जहाँ पर मैं पहले भी आया था अंबिका चौक जा रहा हूँ मैं यहाँ से मेन चौक से दिल्ली के लिए। बहुत जगह छान मारा, बहुत जगह सब जगह बात करी, दिल्ली के लिए कोई बसेस नहीं अभी है ना, बस रोडवेज वाली बस मिल जाएगी अभी 12 बजे भी इस चौक में आएगा, अभी अंबिका चौक में मतलब खड़ी रहती है बसेस, तो मैं पैदल चल के जा रहा हूँ। मैंने बोला कि ऑटो करूँ, तो जो रूम होटल के वो थे रिसेप्शन में उन्होंने यार कि उधर क्या कर रहे हो, थोड़ा दूरी पर ही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अंबिका चौक। वॉइस अभी हो रहे रात के 11:30 बज रहे और अभी पहले से जम्मू जाएंगे ना, जम्मू से होके जाएंगे ना, जम्मू से पठानकोट जालंधर लुधियाना। अच्छा अम्बाला कैंट, चलो ठीक है, तो सुन लिया आपने है ना, जम्मू पटियाला अम्बाला कैंट सब जगह होके हरियाणा वगैरह होके तो हम दिल्ली 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे, तो अभी चलते हैं अंदर और हमारे को गाइड परिचालक साहब बिल्कुल हाँ जी परिचालक ये इतना शब्द नहीं पता हिंदी वाला, इतना भयंकर अच्छा कंडक्टर कंडक्टर राइट राइट हाँ कंडक्टर।